अरे भाई साहब क्या कर रहा हो? मैं दिखाई ना दे रही, चोरी कर रही हूँ। घर में कोई भी ना, किवाड़ उखेड़ के ले जाऊंगा, बेट डालूंगा। तो भाई साहब मुझे कितना दोगे? तुझे क्यों दूंगा अबे? चोरी मैं करूँ, मेहनत मैं करूँ, तुझे क्यों दूं? घर तो मेरा है ना। चुम्मा दोगी? मोटी बैग में तो मजाक कर रही थी, मत तुमसे लेऊंगी नहीं, नहीं गिरा के मैं टूटी में ले मार दूंगी। भाई ऐसी कौन सी चीज है जो तू देख सकता है पर ला नहीं सकता? भाई तेरी बीवी। तू परेशान मत हो मेरी जान, तू परेशान मत हो मेरी जान, हम तेरी जिंदगी से ऐसे चले जाएंगे जैसे हादसे में जान। अब हमारे यहाँ ना शादियों में तीन तरह के नाचने वाले लोग होते हैं। पहले तो ये डीजे से, और दूसरे ऐसे लोग होते हैं। और तीसरे ऐसे लोग होते हैं जिनको देख के पता ही नहीं चलता कि ये शादी में आए या शमशान घाट के तांत्रिक के पास। मैं सिर्फ चावल बनाऊंगा तो अभी जा, और सिर्फ दाल बनाऊंगा लेकिन तड़का मैं नहीं लगाऊंगा, बिना तड़के के दाल खा लूंगा। क्यों बे फालतू क्यों बोला है बे तू? क्या हो गया आमिर? बेटे अगर किसी दिन मेरा दिमाग की सरक गई ना, राग ही खत्म कर दूंगा तेरा। हाँ चल जाए यहाँ से। अरे साले दांत बाहर कर दूंगा सारे के सारे, कभी चल जाए और चल जाए यहाँ से। अब हाँ तो जा रही है, छोड़ गाऊ तुझे। चल तो चल, छोड़िया राइट। तो अबे भाई तेरे को मारा लगा नहीं? हाँ भाई, हाँ भाई तेरे को लगा नहीं? मैंने सुना है तू बहुत खतरनाक आदमी है। बिल्कुल सही सुना है तूने। तू पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। यस ये बाबा काम बता। आकोने में अरे क्या हुआ? अरे पैसे तो दे दे मेरे जवान, हट निकल यहाँ से। मैं करती है शादी करी? हाँ करूंगी अगर घर वाले माने तो। अगर ना माने तो? मनाऊंगी। अगर ना माने तो? नहीं कर सकती। इसलिए तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। छोड़ मार होना लो, हो गए लो, अब पूछे से का फायदा? तोरा तो फोन करी तो तू ही ना बोरी, 5 मिनट में आ रही है, 10 मिनट में आ रही है, साला सेकवा दे ले हमरा। अबे तू तो हमेशा लड़की के चक्कर में लात खाओ है, हमरा भी सेकई बिका। अरे पहले वाला मलवा लो ना हमारा। अरे आजकल मोहल्ला टोला में लड़की कौन छोड़ो रे? ई साला कलुआ छोड़ा, कलुआ कलुआ पता है प्यार क्या होता है? एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना और एक सॉरी पर मान जाना। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ता है, इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ता है, जब उसे अपने ही लोग गलत समझने लगते हैं। लड़की हाँ? कॉलेज में नहीं हो क्या? हाँ नहीं हूँ। अच्छा तो एक बात बताओ। हाँ पूछो। पटना कहाँ है? बिहार में। अरे बिहार जाके पटोगी यार, यहीं पट जाओ ना। कुत्ते कमीने, निकल यहाँ से निकल। इतनी मोहब्बत हो गई है तुमसे कि मेरी सांसों से रिश्ता टूट सकता है मगर आपसे नहीं। हेलो। हाँ बोलो। बाबू मैं काला हूँ ना? नहीं यार। नहीं मतलब मैं अच्छा नहीं हूँ ना? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मतलब आपसे प्यार नहीं करता ना मैं? नहीं आप मुझे बहुत प्यार करते हो। अब इसके साथ क्या कर रहे हो यार? क्या
हाल है तेरे बॉयफ्रेंड का? अरे आजकल के लड़के सब धोखेबाज और गद्दार होते हैं। हाँ तो कुत्तों से प्यार कर लो, वो तो वफादार होते हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। यहाँ क्या करता है? खाना मिलता है। कहाँ रहता है? सड़क पर। बाप? मालूम नहीं। माँ? मालूम नहीं। तेरा नाम? टाइम पास। तू हंसता नहीं है क्या? क्यों? एक भी हंसते हुए फोटो नहीं है तेरी। तू नहाती नहीं है क्या? जो आंखें चूमती थी मुझे सुलाने के लिए, उसने ज्यादा देर नहीं की मुझे रुलाने के लिए। और कौन सा गुनाह किया था मैंने, कोई ये तो बताइए। अरे अब किसी और से प्यार करना पड़ रहा है उसे बुलाने के लिए। गुजरता वक्त हमें ये एहसास दिला देते हैं, जिसे चाहते हम वो दिल दुखा देते हैं। वक्त मलहम लगा देते हैं जिस जख्मों पर, कोई अपना फिर से उस दर्द को जगा देते हैं। बहुत बुरी हूँ ना मैं, दुआ करो तुम्हारी बीवी बन जाओ। अरे इब्बू भाई। हाँ भाई। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किसको करना चाहिए? बहन यार, आई लव यू। ऐसे तो सब प्रपोज करते हैं, कुछ नया तरीका दिखाओ। मेरे बच्चों की माँ बनोगी? बेबी तुम मेरे प्यार में क्या कर सकते हो? दो बच्चे। मच्छे लड़की को पाप होगा, कल को तू भी किसी लड़की का बाप होगा। भगवान करे तेरा कहना सच्चा हो, जो मुझे बाप कहे वो तेरा बच्चा हो। बाबू इतनी ठंड में कैसे नहा लिया? नंगा। कभी कभी लगता है तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, और कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ हूँ ही नहीं। तेरे बिन जीना पाऊँ। अरे क्या हाल है तेरे बॉयफ्रेंड का? अरे आजकल के लड़के सब धोखेबाज और गद्दार होते हैं। हाँ तो कुत्तों से प्यार कर लो, वो तो वफादार होते हैं। बहन कल तेरा बर्थडे है ना, बोल गिफ्ट में क्या चाहिए? भाभी दे दे। बहन भाभी मिल गई तेरी? नो 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 नो, नहीं आ रही है। बीबी शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया, आप मेरे लिए क्या बनवाओगे? टॉयलेट। मैडम आप सुनो, मेरा भाई आज तक किसी के लिए नहीं रोया, अगर वो आपके लिए रोया है ना तो जरूर आप उसकी लाइफ में बहुत मैटर करती हो। और रही बात मिडिल क्लास फैमिली की, तो हाँ हम है मिडिल क्लास फैमिली। यार आई लव यू। ऐसे तो सब प्रपोज करते हैं, कुछ नया तरीका दिखाओ। मेरे बच्चों की माँ बनोगी? भाई मैं कब बढ़ाऊंगा, कब ऐसा बताऊंगा? अरे शादी में प्यार की कोई उम्र नहीं होती है। आइटम चलती क्या? चल। बेबी बेबी। हाँ? अपन ना इस वीक ना शॉपिंग करने चलेंगे और नेक्स्ट वीक ना मूवी देखने चलेंगे। नहीं नहीं, उसके पहले अपन मंदिर चलेंगे। क्यों? भीख मांगने, पैसे कौन तेरा बाप देगा? कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी। तुम ना मेरे बारे में बहुत गलत सोचते हो। ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? तेरे बारे में सोचता ही कौन है। बेबी तुम्हारा फोन कहाँ है? मेरा फोन मम्मी के पास रहता है। अगर पकड़ी गई तो? तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारा नंबर बैटरी लो के नेम से सेव कर रखा है, जैसे तुम्हारी कॉल आती है मम्मी कहती है ये लो बेटा चार्ज कर। मेरी शादी होने वाली है, तुम डीजे पर कौन सा सॉन्ग बजाओगे? बताऊं? हाँ। तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग। तू हंसता नहीं है क्या? क्यों? एक भी हंसते हुए फोटो नहीं है तेरी। तू नहाती नहीं है क्या? ओए तेरे दोस्त तुझे धोखा क्यों नहीं देते? कुत्ते हमेशा वफादार होते हैं।
सताओ हमें हम सताए हुए हैं, कि सताओ हमें हम सताए हुए हैं, अकेले रहने का गम भी हम उठाए हुए हैं, खिलौना समझ कर मत खेलो हमसे, क्योंकि हम भी उसी खुदा के बनाए हुए हैं जिस खुदा ने आपको बनाया है। तड़प कर मर जाओ, रो रो के पागल हो जाओ, लेकिन इतना याद रखना, प्यार में किसी के पैरों में पड़कर भीख मत मांगना। तुझे पा ना सके फिर भी तुझे प्यार करेंगे, तुझे पा ना सके फिर भी तुझे प्यार करेंगे, ये जरूरी तो नहीं जो चीज मिल ना सके उसे छोड़ दिया जाए। बातें किसी और से, दिल में कोई और है, पसंद कोई और है, और शादी किसी और से। कितना अजीब है ना ये आजकल की मोहब्बत भी। ज्यादा घमंड ना किया करो अपना हुस्न और दौलत पे, क्योंकि हम दोस्ती भी दिल देखकर करते हैं, किसी का शकल या पैसा देखकर नहीं। यार ये शादी के जोड़े कौन बनाता है? ऊपर वाला बनाता है। ओ तेरी, क्यों क्या हो गया? अरे मैं तो टेलर को दे आया। दुनिया में ज्ञान देने वाले बहुत हैं, अगर कोई पैसे दे तो माने। हैं? हाँ? बुरा नहीं मानेगी तो तेरे को एक बात बोलूं? हाँ बोल, नहीं मानेगी बुरा। एक नंबर की कुतिया है तू, एक नंबर की। और तू बुरा नहीं मानेगा तो मैं तुझसे एक बात बोलूं? ना भैया, हम तो बुरा मान जा। हमें पता था कि आप मुझे धोखा दोगे, पर इतनी जल्दी दोगे ये पता नहीं था। बिछड़ेंगे हम कभी ना, वादा था ये तुम्हारा। बिछड़ेंगे हम कभी ना, वादा था ये। सुनो, मुझे अपने दिल में रख लो ना। क्यों? बाहर बहुत ठंड है। खुदा जाने के सुनो, भूले नहीं है तुम्हें और ना ही कभी भूलेंगे, सिर्फ नजरअंदाज करेंगे तुम्हें तुम्हारे ही तरह। अच्छा एक बात बताओ बाबू, तुम्हें किस बात का गुरूर है? क्योंकि लंगूर के हाथ में अंगूर है। बेबी घर पे आ जाओ, मैं अकेली हूँ। बेटा अकेला कोई नहीं होता, इस बार सबके साथ होता है। आई लव यू जान। कोई बात नहीं, पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है, चल। सॉरी बॉल, सॉरी बॉल, सॉरी बॉल। आप कैदा दीदी कदर करना सीख लो, क्योंकि ना जिंदगी वापस आती है और ना जिंदगी में आए हुए लोग वापस आते हैं। अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग महंगी चीजों को रिजेक्ट करके सस्ती चीजों पर चले जाते हैं। सुनो जी, जिंदगी का सबसे बड़ा सुख क्या है? जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है गर्लफ्रेंड। और जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है? अबे यार बता दूंगा, मिर्ची लग जाएगी तेरे को। नहीं बताओ, जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है? जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है बीवी। नहाने के लिए ठीक 5 बजे गर्म पानी मिल जाना चाहिए, वरना क्या? वरना मैं ठंडे पानी से नहा के चला जाऊंगा।
हेलो, हाँ माँ कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा, और दामाद जी कैसे हैं? ये भी ठीक है। अच्छा, दियो बेटा दामाद जी को। हाँ एक सेकंड। हाँ माँ दे दिया। मुझे तो रात भर ये सोचकर नींद नहीं आती कि पता नहीं मेरी वाली खाना बनाना सीख रही होगी या मुझसे ही बनवाएगी। भाई हाँ, आज मैं तुझे एक राज की बात बताता हूँ। क्या? वो आम का पेड़ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। एक दिन मैं वहाँ अकेला चला गया। अच्छा? वहाँ कोई नहीं था। हाँ। पूरा सुनसान इलाका था। हाँ। जैसे मैं वहाँ पहुँचा, हाँ, तुरंत मैंने डिसाइड किया। क्या? कि मुझे इस आम के पेड़ पर चढ़ना है। अच्छा। और मैं चढ़ने लगा। हाँ। मैं चढ़ ही रहा था। हाँ। चढ़ ही रहा था। हाँ। चढ़ने के बाद तुरंत मुझे पका हुआ आम दिखा। अच्छा। और मैंने उस आम को तोड़ लिया। हाँ। तोड़ने के बाद मैं नीचे आ ही रहा था। हाँ। नीचे आ ही रहा था। हाँ। नीचे आने के बाद तुरंत मैंने आम को खा लिया। अच्छा। खाने के बाद पता चला क्या? कि आम बहुत मीठा था। I love you. पहले बताओ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। कोई बेस्ट फ्रेंड? नहीं। कोई एक्स? नहीं। I love you too. भाई बहुत सही बंदी है यार। वो ना बस मेरा एक पति है। कुछ लोग लड़कियों को चुड़ैल कहते हैं, बहुत गलत बात है, लेकिन इस बात को पता करने के लिए मैं भीड़भाड़ वाली जगह पर गया और वहां जाकर जोर से चुड़ैल चिल्लाया। आप यकीन नहीं मानोगे, 100 में से 99 लड़कियों ने पलट कर देखा। दो चारों ने तो मुझे गालियां भी दी और कुछ चुड़ैलों ने तो मुझ पर हमला भी कर दिया, और मुझे यकीन आ गया सच में। शर्म करो लौंडो, तुम्हारे होते हुए भी सिंगल हूँ मैं। क्या आपको पता है ऋतिक रोशन की पहली मूवी कौन सी थी? कहो ना प्यार है। हाँ से प्यार है। हाय ओ मेरी जान, ना हो पर अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा नसीब सो चुका है और जिसे मैं पाना चाहता हूँ वो किसी और का हो चुका है। भाई ये लो मेरी शादी का कार्ड है, शादी में जरूर आना। तेरी भी शादी हो रही है क्या? हाँ क्यों? तुझे किसने लड़की दे दी? चाचा ये सनी लियोन है ना, इसके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, यार ये करती क्या होगी? बेटा उसके पास छोटा सा होलसेल का बिजनेस है। मन्निया मैं रेट तेरे हाई करते, एक बारी वेख के ता हस दिया कर, वेखे बिना दिन लंघदा नहीं, किथे आ लोकेशन ता दस दिया कर। ओए सुन। हाँ? मेरे को तेरी शादी करनी है। मैं नहीं करूँगी तेरे से शादी। क्यों? क्योंकि तेरे को खाना बनाना नहीं आता। तो सीख लूंगा ना। पक्का? पक्का। डन। फिर एक टाइम तू खाना बनाएगा, एक टाइम मैं। तिली पैर वा सीधा कर। अबे पैर ना बोरी, सर सीधा कर रे साला। मत कर चचा, बहुत हुरमुट लाउंडा लोगो। हमरा सिखारी बांधर के जाना तू। ये लड़कियां पता नहीं इतनी टाइट जींस कैसे पहन लेती है, मैं पहनता हूँ तो उतारते वक्त कच्चा भी साथ में उतर जाता है। नी कसम खा के बोलती हूँ, तेरे सिवाय इस दिन में कोई ना था, पर तूने तो बेवफाई बना के छोड़ दिया। क्यों किया यार? इस यार के मत होना तुम, जीते जी मैं मर जाऊंगी, जो तुमने नजर फेरे तो मैं। बिंडे। हाँ यार। भाई यार इसको ऐसे वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए अपनों को। भाई पर अपन करेंगे क्या इसका यार? भाई। हाँ भाई। तेरी चेन खुली है। भाई ऐसे सबके सामने चेन मत बोला कर, बोला कर मेकअप बॉक्स खुला है। तो भाई तेरा मेकअप बॉक्स खुला है और लिपस्टिक दिख रही है।
जिंदगी खाब दिखाए फिर चौंकाए दिल को दुखाए चैन चुराए इश्क आखिर है क्या मैं भी हैरान हूँ इश्क है इश्क है। अबे देख क्या रहा है आगे देख। नहीं देखता जा। सुना ही नहीं दे रहा तेरे को आगे देखना। क्या कर लेगा अबे आगे देख नहीं तो तेरी आंखें निकाल लूंगा। देखूंगा मैं तुझे देखता रहूंगा तुझे। तुमने धोखा दिया छोड़ने का इरादा तुम्हारा था। तुमने प्यार ना किया टूटा दिल जो हमारा था। तुम ऐसी तो नहीं थी कभी बदलने पर तुमने मजबूर किया था। झूठ का अवार्ड तुझे मिला नाम तो नीचे तुम्हारा दिया था। तुमने कहा था मुझ पर यकीन करना मेरा इंतजार करना। इस दिल ने कहा किसी बेवफा मत चाहो किसी को इतना कि बाद में रोना पड़े क्योंकि ये दुनिया दिल से नहीं जरूरत से। कभी सुबह को याद आते हो कभी शाम को याद आते हो कभी कभी इतना याद आते हो कि आईना हम देखते हैं और नजर आप आते हो। गुड मॉर्निंग। तू लड़ता क्यों है मुझसे सनम तेरे जुदा होने के गम से मैं डर जाती हूँ। तू गुस्सा होता है तो डांट लिया कर तेरी चुप्पी से तो मैं मर जाती हूँ। छोटी सी बात पर नाराज मत होना भूल हो जाए तो माफ कर देना। नाराज तब होना जब हम रिश्ता तोड़ देंगे और ये तभी होगा जब हम ये दुनिया छोड़ देंगे। हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पती। मैं रोई नहीं हूँ मुझे रुलाया गया है। मैं पागल नहीं थी मुझे बनाया गया है। बहुत सोच समझ कर ये जाल बिछाया गया है। मुझे मोहब्बत के नाम पे आजमाया गया है। जीते जी मर जाता है इंसान जब देखता है अपना प्यार किसी और के साथ। कहता था हर पल तेरी हिफाजत करूंगा अरे कहता था हर पल तेरी हिफाजत करूंगा और मरते दम तक तेरी ही चाहत करूंगा। वक्त के साथ तेरी इबादत बदल गई मैं तो वही रही पर तेरी चाहत बदल गई। प्यार तो था ही नहीं प्यार जो तुमने किया शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया। ओ पागल इंसान क्या किया तुमने जी क्या किया तुमने ये कुछ नहीं बाल काटे अच्छे लगे मैंने जब मैंने तुम्हें मना किया था कि मैंने तुम्हें बाल नहीं देने तुमने क्यों काटे मेरे बाल। अच्छा ना आप गुस्सा क्यों कर रही हैं बस अच्छे लगे मैं अब मैं जाके तांत्रिक बाबा को दूंगा वो सब सेट। मैं अजीब इंसान हूं यार तुम मेरे बाल दो मेरे बाल काट दिए तुमने मेरे बाल दो इधर। एक मिनट सुन तो ले अब सब अच्छा हो जाएगा मेरी शादी भी होगी आपकी भी शादी होगी अब हमारे 15 बच्चे शादी तुम मेरे बाल दो अजीब पागल इंसान हो तुमने मेरे बाल काट लिए 15 बच्चे होंगे हमारे एक नाम रखेंगे चंटू मंटू संटू डंटू मेरे बाल दो तुम मार खाओगे मुझसे। एक मिनट बस क्रिकेट टीम बना लेंगे फिर फुटबॉल टीम तुम पागल हो दिमाग है तुम्हारे पास दिमाग। अच्छा ना आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हैं बस 15 बच्चे इधर दो तुम बाल मैं देती हूँ इधर दो बाल दो।